गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इंग्लिश में आज हम लेसन 7 थिंग्स आई डू में पेज नंबर 60 यानी कि 60 पर आए हैं। यहाँ पर राइटिंग स्किल में है, ये पिक्चर आपको देखनी है और नेक्स्ट पेज पर दिए गए फिलअप से फिल करने हैं। आपको यहाँ पर बताना है कि इस पिक्चर में कौन सा व्यक्ति क्या कर रहा है, जैसे ग्रैंडफादर। इसमें आपको कौन कौन दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, बॉय, गर्ल, मदर एंड फादर। तो इन सभी का हमें बताना है कि कौन क्या कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पर जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट फिलअप है, ग्रैंड फादर इज डैश अ न्यूज़पेपर। दादाजी एक अखबार क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और पढ़ने की इंग्लिश होती है रीडिंग। क्या होती है, रीडिंग। फिर है फादर इज डैश ब्रेकफास्ट, पिताजी नाश्ता क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये पिताजी हैं, नाश्ता क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, खा रहे हैं। तो इसके लिए हम लिखेंगे फादर इज टेकिंग ब्रेकफास्ट। क्या लिखेंगे, फादर इज टेकिंग ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट है मदर इज डैश फूड, माताजी भोजन क्या कर रही हैं, माताजी भोजन का कुकिंग, पका रही हैं, क्या कर रही हैं, पका रही हैं। तो इसके लिए लिखेंगे मदर इज कुकिंग फूड। फिर है द बॉय इज डैश हिज टीथ, लड़का अपने दांत क्या कर रहा है, ब्रश कर रहा है, क्या कर रहा है, ब्रश। द बॉय इज ब्रशिंग हिज टीथ, लड़का अपने दांत ब्रश कर रहा है। नेक्स्ट है द गर्ल इज डैश हर हेयर, लड़की अपने बाल क्या कर रही है, कंघी कर रही है, क्या कर रही है, कंघी, कॉम्बिंग, बी साइलेंट होता है कॉमिंग, COMBING, कॉम्बिंग, लड़की अपने बाल कंघी कर रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आस्क चिल्ड्रन टू प्रिपेयर अ लिस्ट और चार्ट एक्शन वर्ड्स। आपको एक्शन वर्ड्स, डूइंग वर्ड्स के लिस्ट या चार्ट बनाना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बना के आपको दिखाई है। आप इनके साथ इनके चित्र भी बना सकते हैं या चार्ट लेके वहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। चलिए इन डूइंग वर्ड्स को, एक्शन वर्ड्स को पढ़ते हैं। डूइंग करना, वॉकिंग चलना, रनिंग दौड़ना, ईटिंग खाना, ड्रिंकिंग पीना, डांसिंग नाचना, सिंगिंग गाना, स्कीपिंग रस्सी कूदना, होपिंग उछलना, जंपिंग कूदना, रीडिंग पढ़ना, राइटिंग लिखना, स्लीपिंग सोना, स्पीकिंग बोलना, ब्रशिंग ब्रश करना, टेकिंग लेना, कुकिंग पकाना, कॉमिंग कंघी करना, मेकिंग बनाना, बेकिंग बेक करना या सेकना, लाफिंग हंसना, लुकिंग देखना, वॉचिंग ये भी देखना, पुशिंग धकाना या धक्का देना, प्लेइंग खेलना। आपको भी ऐसे ही या तो लिस्ट बनाइए, नहीं तो आप इसका एक सुंदर सा चार्ट भी बना सकते हैं और इनके अर्थ भी आपको पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।